Are you ready? Okay. जितना भी जाए शुक्र अदा करूं कम है। ये है मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मेरा मेकअप है, मेरी चूड़ी है, मेरी बॉडी, ये सारे मेरे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, ऑयल, क्रीम, लोशन, एक्स वाई जेड सब कुछ, मेरा ट्राउजर शर्ट। और ये है जब मेरा दिल करता है कुछ खाने को तो मैं ये ड्रेसिंग है, और इस साइड पे मेरे सारे बैग्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, और नीचे मेरे सारे इसके अंदर पड़े हैं। मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी हर चीज ही आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है। वेलकम टू माय YouTube चैनल्स। स्पेशली मेरे रूम के ऊपर आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अपना रूम टूर। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि मेरा रूम कैसा है और उसकी सारी चीजें कैसी हैं। तो चलते हैं अपने रूम टूर में। आर यू रेडी? ओके, चलते हैं मेरे रूम में। दिस इज माय रूम। रूम में एंटर होते ही आता है शू, जहाँ पे ये सारे मेरे चार्जर वगैरह, उसके अलावा ये है एक टेबल जिसके ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, उसके साथ ही जाते हैं तो ये है एक मिनर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये शीशा जो है ना मैंने खुद जाके परचेज किया था। उसके बाद आता है ये कर्टन, देखो कितना खूबसूरत है ये कर्टन है ऐसे। ये मैंने अपने बेड की मैचिंग के साथ ये वाला कर्टन खुद बनवाया था, और साथ में मेरी फोटो लगी हुई है मेहंदी वाली। और इसके साथ इस साइड पे जो है ना पिक्चर है मेरी और मेरे हस्बैंड की, जो कि वो मैं नहीं दिखा सकती। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। ये है जी मेरे बेड की साइड टेबल। साइड टेबल के ऊपर एक लैंप पड़ा हुआ है जो कि मैंने अभी परचेज किया था न्यू, ये भी गोल्डन है। और इसके साथ टिश्यू भी पड़ा हुआ है, और वो मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है जो कि मैंने उस साइड पे मुंह करके रख दिया है। और ये एसी का रिमोट, और ये देखो यार ये कितना खूबसूरत है। ये है एक कॉर्नर बेड का, तो मुझे बड़ी ठीक है जी। ये है खूबसूरत सा मेरा बेड, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। ओ उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, वो मैंने अपनी खुशी के लिए वो सारी चीजें लगाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस वजह से। दिस इज माई बेड। इसके साथ ही दरवाजे की बैक साइड पे पड़े हुए हैं दो सोफे जो कि मैंने खुद डिज़ाइन करवाए थे, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी हर चीज़ ही आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद फिर ये टेबल है, इस टेबल पे फिर लुक लाइटिंग का मुझे बहुत शौक है। ये लाइटिंग मेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने ये सारी लाइट जो है ना इधर लगवा दी ताकि मेरा रूम जाना ज़्यादा प्यारा लगे। और इस साइड पे भी एक लैम्प पड़ा हुआ है, और फिर ये दराज है, इसके अंदर सारे मैंने हैंगर रखे हुए हैं, ये सारे मोबाइल हैं। और ये है मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मेरा मेकअप है, मेरी चूड़ियाँ हैं, मेरी बॉडी स्प्रे है, मेरा परफ्यूम है। और इसके अंदर दराजों के अंदर भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, ये है मेरा चूड़ियों वाला, ये देखें चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं मेरी सारी, ये मेरी शादी की भी हैं चूड़ियाँ इसके अंदर ये मेरी। और इसके अलावा ये मेरा है मेकअप, जो कि कैजुअल मैं मेकअप जब करती हूँ तो ये मेकअप जो है ना ये मुझे भेजा था मेरे एक दोस्त ने, सैम ने, थैंक यू सो मच सैम, या आपने मुझे दुबई से भेजा था। इसके अंदर ऑल टू ऑल मेरा मेकअप है, ठीक है, जो मैं वैसे ही मतलब अगर बाहर अंदर जाऊँ तो मैं ये वाला मेकअप यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये सारे मेरे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, ऑयल, क्रीम, लोशन, एक्स वाई जेड सब कुछ मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो ये सारा मेरा मेकअप है जो मैं थिएटर में यूज़ करती थी, वो मैंने फ़िलहाल ऐसे ही इसको यहाँ पे सारा रख दिया है।
और सबसे पहले ये खोलते हैं दराज। इस दराज के अंदर सारी मेरी फेवरेट चीज़ें, इसके अंदर मेरे ग्लासेस पड़े हुए हैं, इसके अंदर मेरी वॉच पड़ी हुई है, बाकी के नीचे ये सारा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर भी सारा मेकअप है, इसके अंदर भी सारा, ये सारा मेरा जो है ना फेवरेट मेरी चीज़ें सारी पड़ी हुई है इसके अंदर। ओके, इससे नीचे वाले दराज के अंदर सारे मेरे मतलब लैपटॉप और लैपटॉप के चार्जर, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये है मेरा रूम। फाइनली आपको रूम की लुक दिखाते हैं। लुक दिस, ये है पंखा और ये है ऊपर छत और ये है मेरा बेड, खूबसूरत सा। बताना कैसा है मेरा बेड। और इसके बाद चलते हैं अंदर, ये है वॉशरूम वाली साइड, जहाँ पे वॉशरूम में आपको पता क्या होता है, ये कबर्ड है, कबर्ड के साथ ही ये पड़ी हुई है लाइट, जिस पे मैं डैश पैश मार के मैं टिकटॉक वगैरह बना लेती हूँ। ये कबर्ड तो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले देखी होगी। इसमें मेरे सारे कैजुअल ड्रेसिंग है और इस साइड पे मेरे सारे बैग्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और नीचे मेरे सारे इसके अंदर पड़े हुए ट्राउजर शर्ट। दूसरी अलमारी, इस दूसरी अलमारी के अंदर उस सबसे ऊपर पड़े हुए मेरे जो मैंने प्रेस करवा के शॉपर के अंदर पैक करवा के ड्रेसेस रखे हुए हैं ऊपर, और नीचे है मेरे सारे पैंट शर्ट जो मैं यूज़ करती हूँ गर्मियों वाली, और नीचे फिर मेरे ट्राउजर शर्ट, और ये है जब मेरा दिल करता है कुछ खाने को तो मैं ये खा लेती हूँ। इस दराज को तो मैं खोल ही नहीं सकती क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है क्या कुछ होता है। ठीक है जी, ये है मेरी कबर्ड इस रूम की, और इसके कबर्ड के साथ ही आता है मेरा वॉशरूम। ये है मेरा वॉशरूम, देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। ये है मेरा वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर ये सारी मेरी यूज की चीजें हैं, ये सब कुछ पड़ा हुआ है, और वो टॉवल है, ये कमोड और वो दूसरा वॉशरूम, ये सब कुछ यहाँ, ये वॉशरूम है मेरा। बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी, और किस चीज़ के नहीं, जो कुछ भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो लकी, आई एम सो हैप्पी कि इतनी खूबसूरत फैमिली भी मेरे पास है, और इतना सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है कि मैं जितना भी चाहे शुक्र अदा करूँ कम है। अगर ये आप लोगों को मेरे रूम टूर की वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरे घर का टूर करवाऊंगी, फुल होम टूर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय।